फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आज वो वीडियो जो हर किसी यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब वो यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करता है, तो आज वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया हो ऑलरेडी कि मेरी यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आ चुकी है, सो उसको पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा है इस YouTube चैनल पर, और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे मुझे आपका सपोर्ट मिला है, कैसे परेशानियां आई हैं और क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, उसके बाद जाके ये चीज़ हुई है। तो उन सारी स्ट्रगल्स के बारे में, परेशानियों के बारे में, और कैसे मैंने इस सेटअप को काम किया है ताकि आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जा सके और आपके साथ साथ मुझे भी ग्रोथ मिले और आपको भी कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन मिले, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूंगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैंने अपना ये चैनल 10th of April 2020 को क्रिएट किया था, अब से तकरीबन 6 महीने पहले जब लॉकडाउन चल रहा था। सो आई थॉट कि इस लॉकडाउन में काफी लोगों को दिक्कतें होने वाली है, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए और उसके साथ साथ जो बेटर इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जा सके वो दिया जाए, उनको अवेयर किया जा सके कि उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं, उनको कोई सोल्यूशन दिया जाए। दोस्तों, मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे 2 महीने में हो गए थे, तकरीबन 59 डेज में, जिसका कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पर, 59 डेज में हुए थे। और तकरीबन मुझे 3 महीने लगे थे मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन स्टार्ट होने में, क्योंकि मेरे चैनल, मैंने एक पहले ऑलरेडी चैनल बना हुआ था, तो उसकी वजह से उस पर मेरी गूगल एडवर्ड्स की आईडी क्रिएट हो गई थी और उसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा था, हर बार फेल हो जा रहा था। तो तकरीबन 3 महीने के बाद मेरा चैनल जो मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बेसिकली आप कह सकते हैं उसको, मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, मई, जून, जुलाई, मतलब अगस्त ऑफ मंथ से मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था, 3rd of August से। सो फर्स्ट मंथ में जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो तकरीबन $80 का था, और क्योंकि आप जो लोग इसके बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं और जानते हैं कि गूगल किस तरह से पेमेंट करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ कि आपका कभी भी पेमेंट रिलीज करने से पहले आपके अकाउंट में, एडवर्ड्स अकाउंट में आपके तकरीबन $100+ होने चाहिए, सो दैट वो आपका जो पेमेंट साइकिल होता है तब आपका पेमेंट रिलीज करता है। तो क्योंकि अगस्त मंथ के महीने में मेरे अकाउंट में $80 थे और मैं उस वक्त ज़्यादा काम भी नहीं फोकस कर पाया था, बिकॉज मैं अपनी जॉब पे भी थोड़ा सा काम कर रहा था, तो उसके लिए टाइम कम दे पा रहा था। तो अगस्त मंथ में तकरीबन $80 का इनकम आया था और सितंबर मंथ में तकरीबन $54 का टोटल कैलकुलेशन काउंट हुआ था। तो वही अभी आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, $134 समथिंग, जो कि INR में कन्वर्ट हो गया, अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, और उसमें कुछ माइनर चार्जेस हैं वो डिडक्ट कर लिए गए हैं बैंक के एंड से। तो जो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी ना, गूगल अकाउंट्स का जो एडवर्ड का जो अकाउंट होता है उसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है और वो कोई वीडियो डाल देते हैं अपने चैनल पर और ऑटोमेटिकली उनका गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जब वो प्रोफेशनली अपना चैनल ओपन करने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अपना वो अकाउंट भूल चुके होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने 2 साल पहले एक चैनल, एक अपने आईडी पर वीडियो बना के डाला था और वो मेरा गूगल एडवर्ड्स अकाउंट क्रिएट हो रखा था, मैं उस आईडी तक को भूल चुका था, और पासवर्ड तो ऑब्वियसली याद होना बहुत दूर की बात है। इसके लिए दोस्तों मैंने कई यूट्यूबर्स से भी कॉन्टैक्ट किया, बट बी फ्रेंकली मुझे सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। एक यूट्यूबर है, उनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, बट समहाउ व्हाटएवर उनके पास टाइम नहीं था या मेरा बैड लक था कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। बट चीज़ें हुई, स्ट्रगल किया, चीज़ों को समझा, देखा, प्रॉपर जाना, और तकरीबन 3rd महीने के बाद मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों वही हमेशा कि आप अपने वीडियो पर प्रॉपरली कंटेंट डालिए, दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे इस बात को पूछते हैं कि सर लाइक हमारे 300 सब्सक्राइबर्स हैं, 400 सब्सक्राइबर्स, कैसे इंक्रीज करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि यूट्यूब पे अगर आपको सक्सेस पानी है किसी भी तरीके से, अपने चैनल को ग्रो करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपका कंटेंट अच्छा भी है तो भी आपके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको किसी भी चीज़ के लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और वो बेसिक रूल्स यूट्यूब पे खासतौर पे हैं आपका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली समझ जाते हैं कि इसका क्या खेल है यूट्यूब पे, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है चीज़ों को समझने में और अपने चैनल को सक्सीड करने में और अपने चैनल की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने में। तो इसका खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन बहुत प्रॉपरली, बहुत सोच समझ के डालिए। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपके चैनल को ग्रो करने से YouTube खुद आपको सपोर्ट करेगा, खुद वो आपके चैनल की जो इंप्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देगा और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो लोग जानते हैं उन सभी को पता है कि इंप्रेशंस इतने ज़्यादा आएंगे, वीडियो की जो रीच है वो उतनी ज़्यादा और बढ़ेगी आपकी, और
ज्यादा से ज्यादा लोग आपके चैनल को देख पाएंगे। तो अगर आपका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बिल्कुल प्रॉपर है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए आप स्टडी कीजिए, वीडियोस देखिए, मैंने भी काफी वीडियोस देखे थे, बहुत बारीकी से समझने की चीजों को कोशिश किया था। और इसके अलावा जो मेन उसके बाद आता है आपका कंटेंट ओवरसली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सेकंडली थंबनेल भी एटलीस्ट आपका आई कैची हो। क्लिक बेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप चाहे तो, बट कोशिश कीजिए जो जेन्युइन कंटेंट के अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट है वीडियो के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही आप थंबनेल डालें, क्योंकि वो चीज आपका अच्छा रहेगा तो जेन्युइनिटी आपकी चैनल की बनी रहेगी और लोग आपको पसंद करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा कंटेंट था आज का, जो मेरा मेन टॉपिक था। आपको गुड न्यूज शेयर करनी थी कि मेरी अर्निंग इनकम स्टार्ट हो चुकी है, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरी ईमेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप उससे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।